सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी क्षितिज भाग दो के पद्य खंड का पाठ एक सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। सूरदास के पद पढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी से कोरोना वायरस पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क एवं जागरूक होने की आवश्यकता है। आप लोगों को मैं कुछ सलाह देना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले अपने व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को धोना है। दूसरा, हमें पौष्टिक आहार लेना है, हमें जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर हम पौष्टिक आहार लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तथा जैसा कि आप सभी ने सुना कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगी कि आप सब भी अब ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें तथा इस समय का सदुपयोग करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम प्रारंभ करते हैं अपना सूरदास का पाठ। पाठ पढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी को सूरदास, जो कि इन पदों की रचना सूरदास जी ने करी है, तो मैं पहले उनके जीवन का परिचय आप लोगों को देना चाहूंगी। सूरदास जी के जन्म को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म मथुरा के निकट हुआ, तो कुछ का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। सूरदास जी गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे तथा इनकी मृत्यु सन 1583 में हो गई। हिंदी साहित्य में सूरदास की रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन सूरदास की तीन रचनाएं मुख्य हैं, सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी, जिसमें से सूर सागर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूरदास जी वात्सल्य तथा श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप प्रयोग किया है, जो आप अभी इन पदों में भी देखेंगे, तथा मुहावरे एवं लोकोक्तियों के साथ साथ उन्होंने तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग पूर्ण रूप से अपने पद में किया है, या अपने काव्य में वो करते रहे हैं। अब जो पद आपके पाठ में है वो सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद जब वो खुद नहीं लौट पाए थे, तो उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र अर्थात प्रिय मित्र उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा था। जो उनके प्रिय मित्र उद्धव थे, वो निर्गुण ब्रह्म और योग के उपासक थे, और वही संदेश लेकर वो गोपियों के पास जा रहे थे, ताकि गोपियों की जो विरह की वेदना है, विरह वेदना का अर्थ होता है अलग होने की जो पीड़ा होती है, वेदना मतलब दुख, विरह मतलब अलग होने का जो भाव होता है, और जो उसमें से दुख गोपियां जो कृष्ण से अलग होने का जो दुख झेल रही थी, उसको शांत करने के लिए वो गोपियों के पास जा रहे थे। परंतु जो गोपियाँ थीं, वह ज्ञान के मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी, इसी कारण गोपियों को यह संदेश पसंद नहीं आया। तभी एक भंवरा आ पहुंचा जो फूलों के आसपास मंडरा रहा है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर कटाक्ष किए, अर्थात मजाक लिया उनका। तो पहले पद में आप देखेंगे कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि अगर उद्धव तुमने कभी स्नेह कभी प्रेम कि तुम धागे से बंधे होते, तो तुम हमारी जो विरह की जो वेदना है अर्थात जो हमारी पीड़ा है, तुम उसको अवश्य समझ पाते। तो इस पूरे पद में अब हम गोपियों और उद्धव की जो वार्तालाप है उसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद अब मैं आपके समक्ष पढ़कर बताऊंगी तथा उसके पश्चात मैं इसका भावार्थ आपको बताऊंगी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी
बूंद नता को लागी, प्रीति नदी में पावन बुरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चांटी जो पागी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं कुछ शब्दों के अर्थ आप लोगों को बता। तो विद्यार्थियों, इस पद में जैसा कि आपको मैंने पूर्व पहले भी बताई ये बात कि जो ये पंक्तियां हैं वो सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें स्वयं कृष्ण मथुरा जा चुके हैं तो गोपियों के पास अपना संदेश अपने प्रिय मित्र, अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो जब गोपियां उद्धव का संदेश सुनती हैं तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसी का वर्णन इस पूरे पद में किया गया है। तो अब मैं पद का भावार्थ आपके समक्ष रखती हूँ। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए करती हैं, उन पर कटाक्ष करती, उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े बड़ भागी हो, अर्थात तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी अपरस रहत स्नेह तगाते, अर्थात तुम कृष्ण के इतने समीप रहे लेकिन तुम प्रेम के रस से बिल्कुल ही अछूते हो, अर्थात जिस कृष्ण ने पूरे विश्व को प्रेम करना सिखाया, तुम उनके इतने समीप रह कर भी तुम्हारे मन में कोई अनुराग, कोई प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई। तो आगे गोपियां कहती हैं कि तुम तो समाज से वैसे ही अलग हो, जैसे कि वो उदाहरण दे रही है यहाँ पर, वो उद्धव की तुलना दो चीजों से कर रही है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसमें। पहले वो कहती हैं कि तुम्हारी स्थिति उस कमल के फूल के पत्ते के समान है जो पानी में तो रहता है लेकिन वो इतना चिकना होता है कि पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, पुर इनी पात रहत जल भीतर, अर्थात कमल का जो पत्ता होता है वो जल के अंदर तो रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, अर्थात तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है, तुम कृष्ण के इतने समीप रहे तुम कृष्ण लेकिन तुमने उनसे प्रेम करना नहीं सीखा। आगे गोपियां उनकी तुलना तेल की मटकी से करती हैं, अर्थात जो तेल की मटकी है अगर उसे पानी में डुबो दे तो पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, पानी और जो तेल है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। उसी प्रकार तुम कृष्ण के तो समीप रहे लेकिन तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई प्रेम भावना जागृत नहीं हुई। आगे गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पांव न बुरयो, अर्थात तुमने प्रेम की नदी में तो पांव ही नहीं डुबोया, अर्थात तुमने तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई, तुम प्रेम के प्रति आकर्षित नहीं हुए। आगे गोपियां कहती हैं, वो अपनी तुलना उद्धव से करते हुए कहती है कि हमारी स्थिति तो तुमसे बिल्कुल विपरीत है क्योंकि हमने तो बिना किसी छल कपट के कृष्ण से प्यार किया था, निस्वार्थ भाव से कृष्ण से प्यार किया था लेकिन अब हमारी स्थिति बिल्कुल उस गुड़ से चिपटी हुई चींटी के समान हो गई है, जिस प्रकार जो चींटी होती है वो गुड़ के प्रति आसक्त हो जाती है, उससे बिल्कुल चिपट जाती है, उसी प्रकार हमारा मन तो कृष्ण के प्रति आसक्त हो चुका है, अर्थात हम उनके प्रेम में बिल्कुल लीन हो चुके हैं, अब हमें योग की ये बातें तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आती, अब हम कृष्ण के प्रेम में ही पागल हो, कृष्ण के प्रेम से अब हमें कोई विरक्त नहीं कर सकता। तो ये था उसका मूल भाव कि गोपियां यहां पर जो उद्धव के द्वारा संदेश है उसको बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं होती, वो कहती कि अब हमने तो कृष्ण को अपना दिल दे दिया है, अर्थात अब हम उनकी तरफ आकर्षित हो चुके हैं, अब उनसे हमें अलग कोई नहीं कर सकता। तो विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को इस पद के आधार पर कुछ प्रश्न करने को दूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम रहेंगे और अगली कक्षा में मैं आप सभी को से इन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करूंगी। तो कुछ प्रश्न इस पठित पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दे रही हूँ और पहला प्रश्न है,
उधव को किसने बड़भागी कहा है और क्यों। दूसरा है पुर इनी पाद तथा ज्यो जल के उदाहरणों से गोपियां क्या समझाना चाह रही हैं। तीसरा प्रश्न है गोपियां स्वयं को कैसा बता रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे और अब हम अपनी अगली कक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर पर मैं चर्चा भी करूंगी आप लोगों से तथा जो अब दूसरा पद है वो मैं पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।